आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी भारी बारिश में, लगातार बारिश में जेट प्लांट को किस तरीके से बचाया जाए। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जो भी जेट प्लांट लगाते हैं अपने गार्डन में, सभी को पता रहता है जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। सकुलेंट वैरायटी के प्लांट की खासियत होती है कि उसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर, जैसे मैं गुजरात में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पर 3 से 4 दिन हो गया है लगातार बारिश हो रही है। आधा एक घंटे के लिए भी बारिश बराबर बंद नहीं होती है, छींटे जो है गिरते ही रहते हैं। और भारी बारिश के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाया हुआ है और इसका ड्रेनेज जो है कम्प्लीट नहीं है, जिसके कारण से यहाँ आपको काई की तरह ग्रीन ग्रीन ब्लैकिश दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी ही कंडीशन हो जाती है जब लगातार बारिश गिरती है। तो इससे बचने के लिए अगर आप इस टाइम पर जेट प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो आप प्रॉपर सैंड में ही लगाइए। और दूसरा ये प्लांट देखिए, जो कि मैंने सैंड के बड़े वाले ग्रेन्यूल्स हैं वो ज्यादा डाले थे और सॉइल जो है कम थी। तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं हो रहा है। पानी इस वाले प्लांट में भी स्टोर नहीं हो रहा है, मतलब कि ड्रेनेज बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन रेगुलर बारिश होने की वजह से प्रॉपर जो है इसको हवा नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने पौधे को ठीक से गुड़ाई करनी है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो गई है। जब तक हम गुड़ाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें हवा नहीं जाएगा, प्रॉपर जो है अच्छे से मिट्टी गीली नहीं होगी। और ऐसे ही गीली मिट्टी रहेगी तो पौधे में हमारे फंगस बहुत जल्दी लग जाएगा। फंगस लगने की वजह से पौधा हमारा नीचे से रूट से डैमेज हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। पत्तियां ऊपर से सारी ही इसकी झड़ जाएंगी। तो इसकी सबसे पहले हमको गुड़ाई करनी है। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दूंगी। अब गुड़ाई करने के बाद में अब इस पौधे को, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर आधा एक घंटा भी प्रॉपर मौसम खुला नहीं है, छींटे जो है गिरते ही रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको करना क्या है कि गुड़ाई करने के बाद में इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की हवा भी लगती रहे और बारिश का पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाए। तो ये मिट्टी थोड़ी सी सूख जाएगी ऊपर से, उसके बाद में आप जो है इसको फिर से बारिश में रख सकते हैं। तो ये काम आपको हर तीसरे चौथे दिन अभी जेड प्लांट पर जरूर ही करना है। दूसरा काम जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं, जब लगातार बारिश गिरती है तो जो पुरानी पत्तियां रहती हैं वो पीली होकर झड़ने लगती हैं या फिर जो है गल जाती हैं, और गलने के बाद में नीचे गिर जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीफ आपको इस तरीके से दिख रही होगी। अगर अब इसको हम नहीं हटाएंगे तो ये इसी तरीके से गलने लगेगी और फंगस की तरह बन जाएगी। तो इससे हमारे पौधे में फंगल लगने का चांस रहता है। तो इसको जो है, जितनी भी लीफ रहती हैं उनको आपको हटा देना है, या जो है इस पर ब्रांचेस पे पीली जो पत्तियां रहती है उनको भी साफ कर देना है। तीसरा जरूरी काम, जिस भी गमले में आपने जेट प्लांट लगा कर रखा है उसका नीचे से ड्रेनेज होल अच्छे से ठीक कर लीजिए, जिससे कि पानी आराम से निकलता रहे। अगर पानी नहीं निकल रहा है तो आपको जो है किसी भी लकड़ी की मदद से या कोई भी लोहे का कुछ भी हो तो उससे जो है आप नीचे से होल को अच्छे से क्लियर कर दीजिए, जिससे कि पानी आराम से निकल जाए। और इस टाइम पर फंगस ना लगे, इसके लिए आप किसी भी फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं या हल्दी के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। आप जो है, हम कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अगर आपको देना है तो मैं जो है, मेरे पास में भी फंजीसाइड पाउडर नहीं है, तो मैं हल्दी का यूज कर रही हूँ। एक चुटकी हल्दी लेकर आपको इस तरीके से मिट्टी में मिक्स कर देना है। और भी ज्यादा हो तो चलेगा, मैंने अभी एक चुटकी ही डालकर दिखाया है। तो इतना करने के बाद में आपको इस तरीके से मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है और इसको थोड़े से शेड में रखना है, अंदर नहीं रखना है, शेड में रखना है, किसी छज्जे के नीचे रखना है जहाँ की पानी इस पर ना जाए, क्योंकि पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिल चुका है, जिससे मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये काम आप करेंगे तो जेट प्लांट आपका बारिश में कभी भी नहीं मरेगा। अब यदि आप बारिश के टाइम पर जेट प्लांट को परचेज कर ला रहे हैं, अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं, तो किस तरीके का सॉइल मिक्स आपको बनाना है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो अगर आप बनाना चाहते हैं सॉइल मिक्स, तो इस तरीके के सैंड के, जो हमारी कंस्ट्रक्शन सैंड रहती है, जो हम छानते हैं और छानने के बाद में ये बड़ा वाला पार्ट जो फेंक देते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, तो इस चीज़ को आपको यूज करना है। और थोड़ी सी मात्रा, मतलब कि 90% अभी आपको सैंड यूज करना है और 10% आपको सॉइल यूज करना है। इसको अगर यूज करेंगे तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे से रूट भी ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होती रहेगी, प्लांट भी सेफ रहेगा, उसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी।
और गमले में ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितना पानी रहेगा एक्स्ट्रा पानी वो जो है निकल जाएगा गमले से और गमले में बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा। अब आती है सबसे जरूरी बात, जेड प्लांट सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है लेकिन इसको आपको सेडी प्लेस में नहीं रखना है, इसको आपको ओपन टेरेस पर ही रखना है। बारिश चाहे जितनी भी हो लेकिन जेड प्लांट को आपको शेड में नहीं रखना है, मतलब कि आपको ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ की हवा आर पार ना होती हो। तो ये जिस जगह पर रहता है इसको वहीं पर स्टे करने दें, बार बार जगह इसकी चेंज ना करें और इसको इंडोर तो बिल्कुल भी रखने की गलती ना करें। इंडोर अगर आप रखेंगे तो इसको प्रॉपर हवा नहीं मिल पाएगी और इसकी लीफ पूरी ही झड़ जाएंगी, खाली स्टेम बचेगी और नीचे से भी स्टेम इसकी गल जाएगी। तो आप इसको टेरेस पर ही रहने दें, जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली हो गई है, तो इसकी गुड़ाई करके आप थोड़ा सा इसको छज्जे के नीचे रखें जहाँ पर पानी ना आता हो, तो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद में फिर से आप इसको ओपन टेरेस पर इसकी जगह पर रख सकते हैं। अब यदि आपका जेड प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इस टाइम पर आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाकर शेड में रखिए, किसी भी छज्जे के नीचे रखिए, किसी प्लांट के नीचे रख दीजिए और सैंड में ही कटिंग लगाइए। सैंड में कटिंग लगाएंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा पूरा ही निकल जाएगा, कटिंग बहुत अच्छे से रूट बना पाएगी। तो जो लोग कटिंग लगाना चाहते हैं, जेड प्लांट की कटिंग अभी आप लगाएं बरसात में, बहुत आसानी से लग जाएगी। और एक बात का ध्यान आप जरूर रखें, जब भी आप इसकी कटिंग लें, कटिंग लेने के बाद में फिर इसको आप प्रॉपर ओपन टेरेस में ना रखें, क्योंकि अगर लगातार हमारे यहाँ जैसी बारिश गिर रही है तो अगर आप यहाँ से कटिंग लेंगे और उसके बाद में बारिश गिर जाएगी तो यहाँ से जो है फंगस लगने के चांस हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, जिस प्लांट से आप कटिंग लेते हैं उसको थोड़ा सा आप शेड में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा और प्लांट के मरने के चांस भी नहीं रहेंगे, पौधा तेज़ी से बढ़ता रहेगा, नेक्स्ट टाइम उससे आप जो है और भी बहुत सारी कटिंग ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है लेकिन बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, थोड़ी सी देखभाल आप करेंगे तो जेड प्लांट आपके गार्डन में सालों साल टिके रहेंगे। तो यदि कटिंग नहीं लगाई है तो कटिंग लगा लीजिए, ढेर सारे प्लांट बना लीजिए जिससे कि नेक्स्ट ईयर आपके गार्डन में बड़े बड़े प्लांट रेडी हो जाएंगे। क्योंकि इस टाइम जो है आप जो भी सॉइल बनाएंगे उसमें मॉइस्चर बहुत अच्छे से रहेगा, जब आप किसी और सीजन में लगाते हैं, सर्दी में लगाएंगे तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, होल्ड हो जाता है, लेकिन इस टाइम पर जो है आप जैसा चाहेंगे वैसे मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप कटिंग लगा के छोड़ दीजिए, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी अगर पड़ जाएंगी तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगी। तो इस टाइम पर अगर आप टोपियरी बनाना चाहते हैं तो टोपियरी भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी टोपियरी बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगी और जैसे शेप में चाहेंगे वैसे शेप में आ सकती है टोपियरी। तो बहुत ही अच्छा सीजन है, थोड़ी सी केयर करेंगे तो चार पांच जो केयर टिप्स बताई हैं उनको अपनाएंगे तो जेड प्लांट आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।